बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ मैं कर रही थी अपनी ब्रेकफास्ट, जो कि आज बहुत बहुत लेट हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवर स्लीप कर लिया आज मैंने। और फिर उसके बाद मैं एक लेमन वाटर लेती होती हूँ, एक ग्लास रूम टेम्परेचर वाटर में मैं लेमन ड्रॉप्स डालकर वो लेती हूँ। अगर मेरे पास फ्रेश लेमन हो तो मैं वो स्क्वीज़ करके लेती हूँ। और उसके तकरीबन कोई आधे एक घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ, जो कि ये एक रेगुलर चाय है विथ अ टी स्पून ऑफ ब्राउन शुगर, ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर, जो कि थोड़ी फीकी ही होती है मगर खैर ठीक है, गुजारा होता है, फीकी नहीं पी जाती मुझसे चाय। और ये है ब्राउन ब्रेड का एक सैंडविच, जो कि स्लाइस चीज़ और साथ में हल्का सा बटर लगा हुआ है, और टोस्ट भी बहुत ही अनइवन किस्म का हुआ है, एक साइड से टोस्ट हुआ हुआ, बट एनीवेज फ्रेश ब्रेड थी तो मैंने सोचा मैं बस इतना लाइट टोस्टर ठीक है। और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं बहुत दिखाऊंगी कि मैं आज एक बहुत ही सिंपल सी डिश बना रही हूँ घर के लिए, एक रेगुलर दाल और चावल, और उसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सी स्वीट बना रही हूँ डिज़र्ट, मगर बहुत ही ईजी डिज़र्ट है और किड फ्रेंडली डिज़र्ट है। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए मैंने बच्चों के लिए कोई भी मीठा नहीं बनाया, और क्योंकि छुट्टियां हैं, मगर ये है कि हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं मीठा भी, मगर कभी कभार बच्चों का दिल चाहता है, आखिर बच्चे हैं, और इनके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा डिज़र्ट बनाऊँ। ओके जी, यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी सिंपल सी स्वीट के लिए जेली। तो ये मैंने दो पैकेट्स जेली के इसमें डाल दिए, ठीक है, एक नॉर्मल से घर के बॉल में। और अब इसमें मैं डालूंगी बॉइलिंग वाटर, नॉर्मल जो इसके कुकिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस हिसाब से, ये एक पैकेट के अंदर जो है वो एक नॉर्मल योगर्ट के कप की मेजरमेंट से एक कप बॉइलिंग वाटर जाता है। तो मैंने दो बनाए हैं तो मैं दो कप डाले हैं मैंने, और मैं फिर इसमें चिल्ड वाटर डालूंगी। अच्छा, इसमें मैंने चिल्ड वाटर भी ऐड कर दिया था, और अब ये इतनी हो जाएगी कि इसमें अगर किसी को डिजर्ट में नहीं खानी तो मैं उसके लिए एक बॉल में अलग से थोड़ी सी निकाल भी दूंगी। बाकी इसमें फ्रूट्स डालेंगे और साथ में जेली के क्यूब्स, तो दिस इज़ क्वाइट इनफ। और जेली बनाना तो वैसे भी मुश्किल नहीं, अगर बच्चों को दोबारा खानी होगी सिर्फ जेली तो फिर से बन सकती है। और अब ये मैं ये जाएगी फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, आज मैं प्लेन बॉइल्ड राइस बनाऊँगी और साथ में उसकी एक सिंपल सी दाल, जो मैं आपको अपना तरीका बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ इसे। अच्छा जी, अब ये मैंने मसरों की दाल ली है, ऑलमोस्ट कोई सवा कप दाल है ये, और इसको मैंने वॉश कर लिया था। मैं इनको नहीं भिगोती दालों को, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता जल्दी या देर से पकने में। इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले जाते हैं, इसमें है मैंने जो डाले हैं नमक कम अज़ कम कोई एक टी स्पून भर के, क्वार्टर टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा हल्दी है, और आधी टी स्पून है लाल मिर्च, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें मैंने एक बड़ी चिकन क्यूब, ये वाली क्यूब मैंने हाफ किए, और वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये बस बेसिक से ही मसाले इसमें जाते हैं, और फिर अपने हिसाब से आपने जितनी गाढ़ी रखनी है आप अपनी गाढ़ी रख लें। और ये दाल इतनी आसानी से गल जाती है, इवन येलो वाली जो मूंगी मसूर की दाल जो हम मिक्स करके बनाते हैं वो भी, कि मैं कभी कभार इनको कुकर के बगैर ऐसे ही पतीली में चढ़ा देती हूँ, इनको मैं टॉर्चर नहीं करती। और बस इसमें एक उबाल आएगा और फिर जो है मैं इसको हल्की आंच में पकने दूंगी, और ये तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट में हल्की आंच में ये बहुत फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी। और फिर तड़के में आप देखेंगे जो कुछ भी मुझे मेन चीज़ें डालनी हैं, जैसे ज़ीरा है, प्याज है, मैं प्याज का तड़का लगाती हूँ, मैं लहसुन उसमें बिल्कुल ऐड नहीं करती, और गोल्ड बटन चिलीज़ हैं, तो वह सब मैं तड़के में डालती हूँ, और उसी से इस दाल का फ्लेवर इन्हांस हो जाता है।
अच्छा जी, ये दाल में उबाल आ चुका था तो मैंने इसको हल्का कर दिया है चूल्हे को, और अब ये तकरीबन कोई 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब आ जाते हैं अपनी सैलेड की तरफ। अच्छा जी, सैलेड में मैंने बिल्कुल ही कोई बेसिक सारा स्टफ यूज़ किया है, जैसे कि टोमेटोज हैं मेरे पास, वाइट अनियन था, थोड़ा सा कैरेट्स हैं और क्यूकम्बर है, उसमें क्यूकम्बर और कैरेट ज़्यादा हैं, और टोमेटोज जो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे टोमेटोज नहीं है, तो वो जब मुझे अभी मिक्स करने हैं। उसकी वजह ये है कैरेट्स और क्यूकम्बर ज़्यादा होने की, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ें पसंद करते हैं, वो अनियंस और टोमेटोज नहीं खाते। अच्छा, अब मैं जो ड्रेसिंग बनाने लगी हूँ ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये मैं जो है अपनी सैलड्स, नॉर्मल सैलड्स में भी डालती हूँ, और कोई फैंसी सैलड हो, कोई डिनर पार्टी वगैरह के लिए, तो उसमें भी मैं यूज़ करती हूँ। बहुत मज़ा देती है ये सैलड्स में। तो इसमें मैं डालती हूँ सिर्फ चाट मसाला, क्योंकि ये आप स्पून देख सकते हैं इस मेजरमेंट के, मैं कम से कम इसमें डालूँगी कोई 1.5 चम्मच या ज़रा सा ऊपर, हम आप अपने हिसाब से सीजन कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जाएगा हनी, हनी मुझे बहुत अच्छा लगता है सैलड्स में, एक बहुत अच्छा टैंगी सा फ्लेवर देता है। ये तकरीबन 2 टीस्पून्स मैंने हनी इसमें डाला है, ओके। और साथ में मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं है, तो मेरे पास ये जूस है, तो ये मैं तकरीबन डाल दूंगी कोई, ये भी कोई 2 टीस्पून्स जो है मैं भर के इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अब इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और इसको हम अपनी सैलेड में ऐड करेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बेसिक सैलेड में भी बहुत ही मज़े का लगता है और एक डिफरेंट टच आ जाता है, और है भी सारे वो इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में नॉर्मली मौजूद होते हैं। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो फिर ऐसा ये जो लेमन जूस है ये ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर ओमिट भी कर सकते हैं। चाट मसाला एंड हनी इज़ फाइन, यहाँ पे चाट मसाला एंड नींबू इज फाइन एज़ वेल, बस चाट मसाला होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ बहुत मज़ा आता है सैलड का। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी, और ये हमारी सैलड हो गई है तैयार। वैसे दाल चावल के साथ हम नॉर्मली सैलड नहीं बनाते, ये मैं फर्स्ट टाइम ही सैलड उसके साथ ट्राई कर रही हूँ। हाँ, सैलड और चीज़ों के साथ मैं ज़रूर बनाती हूँ, और वो बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और इसको रखूँगी फ्रिज में, और फिर चावल अपने बॉइल करूँगी। अच्छा जी, चावलों का पानी मैंने रख दिया था, और बस मैं वेट कर रही हूँ उसके बॉईल होने के लिए, और आजकल तो वैसे भी पानी इतना गर्म आता है कि चूल्हे पे जाते ही जो है बॉईल करना होना शुरू हो जाता है। और ये है मेरे तड़के का सामान, और ये मैं पहले से ही प्रिपेयर करके ऐसे रख देती होती हूँ, तो वो फिर ईजी रहता है। और मैं दाल के अंदर कॉम्बिनेशन करती हूँ ऑयल और मक्खन दोनों चीज़ों का, और उससे दाल का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, और स्पेशली जब हमने रोटी के साथ खानी हो तो फिर तो मैं मक्खन ज़रूर ऐड करती हूँ। हाँ, चावलों के साथ मैं कभी कभार सिर्फ ऑयल का तड़का लगा लेती हूँ। तो खैर, ये सारी चीज़ें हैं, प्याज है, ज़ीरा है, और साथ में कोल रेड बटन चिलीज, और साथ में मैं चावल जब ऑयल करती हूँ तो उसमें भी मैं ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ऑयल और नमक के साथ ज़ीरा भी ज़रूर ऐड करें, और वाइट राइस का बहुत मज़ा आता है दाल के साथ, कोई सी भी दाल हो उसके साथ अगर वाइट राइस में आपने ज़ीरा डाला है तो उसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। अच्छा जी, जब तक द राइस इज बॉइलिंग, मैंने सोचा कि मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, और मैंने यूज़ किया है लूरपाक का बटर, और ओलाइट का मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। दाल में मैं कभी भी ऑलिव ऑयल का तड़का नहीं लगाती, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको देसी घी करना है तो देसी घी का कर लें, नहीं तो फिर जो है आप भी इस तरह ऑयल और बटर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने सोचा मैं तड़का तैयार करके मैं इससे भी दाल को तैयार कर लेती हूँ, और मीनवाइल मैंने दाल में गरम मसाला भी ऐड कर दिया था, और दाल मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब तड़का मैं डालूँगी और उसको मैं चूल्हा उसका बंद कर दूँगी। तो उसके बाद हम मिलते हैं सैलड और सारी चीज़ों के साथ। अच्छा जी, टेबल तो मैंने नहीं सेट किया था, ट्रे सेट की थी, तो मैंने सोचा अपना खाना आप लोगों को फाइनल दिखाऊं लुक उसकी। और ये मेरे ज़ीरा राइस है, और साथ में ये दाल है विद अ लवली तड़का ऑफ ऑयल एंड बटर,
और साथ में मेरी सैलेड है जिसमें कि मैंने आपको ड्रेसिंग दिखाई है, मैं ख़ुद बनाती हूँ। और आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, ये ड्रेसिंग बहुत मज़े की लगती है। कैसी भी सैलेड हो, सिंपल हो या फैंसी सैलेड हो, उसमें आपने एप्पल्स ऐड किए हो, उसमें आपने कोई और फ्रूट ऐड किया हो या वॉट एवर, जैसे भी हो, कोई भी चॉइस हो आपकी सैलेड की, उसमें ये वाली ड्रेसिंग डालेंगे तो उसका मज़ा दोबारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने सोचा मैं आपको नेक्स्ट डे की भी अपनी रूटीन दिखाती हूँ, बेसिकली फिर से ब्रेकफास्ट की रूटीन। और यहाँ मैंने कर बैठी थी आज मैंने आज बिल्कुल देसी स्टाइल का नाश्ता बनाया था, देसी स्टाइल का एग विद अ लॉट ऑफ सिलान्ट्रो, विद अ लॉट ऑफ ग्रीन चिलीज एंड अनियंस। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था आज का, और विद ऑब्वियसली टू स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड अगेन। और इतनी पूरी गर्मी के अंदर ये मैं साथ में ले रही थी कॉफ़ी, क्योंकि जब आपने बैठकर एसी में ही पीना होता है तो चाहे आप चाय कॉफ़ी पियो, चाय पियो या कॉफ़ी पियो, उससे मौसम का क्या ताल्लुक है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। एनीवेज, अच्छा जी, कमिंग टू आवर डिज़र्ट, यहाँ पर है मेरे पास अलमराई की, सॉरी अवाल की कुकिंग क्रीम। ये मैं मिक्स करूँगी, ब्लेंड करूँगी इसको शुगर के साथ। और इसके अलावा मेरे पास अलमराई की थोड़ी सी ये वाली रेगुलर जो थिक क्रीम होती है, ये है, मैं इसको भी इस्तेमाल करूँगी, इसके साथ ब्लेंड करूँगी। और उसके अलावा इसमें मैं डालूँगी पाइनएप्पल का सिरप, जो जूस होता है फ्रोजन, सॉरी कैन पाइनएप्पल का, तो ये मैं ऐड करके इसमें मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। और इस मेरे पास फ्रूट्स जो अवेलेबल है, आप कोई से भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे वो हैं एप्पल्स, पाइनएप्पल, बनानास और फ्रोजन कुछ स्ट्रॉबेरीज थी, तो मैं ये भी यूज़ करूँगी। और उसके अलावा मैं वो जेली यूज़ करूँगी जो मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई थी कि मैं फ्रिज में रखती थी जमने। अच्छा जी, मैंने एक और चीज़ ऐड की थी क्रीम के अंदर, मैं ये वेनिला एसेंस का एक सैशे मैंने डाला है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ग्रीन्स का, और इनके सैशे का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, इन्हांस हो जाता है क्रीम का फ्लेवर। और ये मेरी क्रीम रेडी हो गई है, अब इसमें हम सिर्फ चीज़ें ऐड करेंगे पूरे बॉल में। सिंपल, आप चाहे तो एक पतला सा कस्टर्ड बना सकते हैं और उसको भी मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो कंडेंस्ड मिल्क भी मिक्स कर सकते हैं, योर योर ऑन बॉस, आप जैसे मर्जी करें, क्योंकि वेस्टर्न स्वीट्स का यही मज़े की बात होती है कि आप जो कॉम्बिनेशन करते हैं आप कर सकते हैं। और अब बस मैं इनको एक टॉस दूँगी और साथ में मैं क्रीम मिक्स कर दूँगी, और ये मेरी लिटिल शेफ ये करेगी नाइसली। और साथ में हम इसमें डालेंगे ये जेली, ठीक है, एक सेकेंड, मिक्स 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 मिक्स, ठीक है, नहीं मोर जेली आप ऐसे खा लेना, ठीक है। अब ध्यान से करना कि मैं क्रीम डाल रही हूँ इसमें, मामा करे, अच्छा आप क्रीम पोर करो, मामा करेगी, मामा कम 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 हमें क्रेप से ही मिले थे ना, हम ऐसे ही बनाएंगे, अब इसको चिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास गार्निशिंग के लिए कोई और चीज़ नहीं थी, अगर मेरे पास प्लेन कोई मीठे बिस्किट्स होते तो मैं उसके साथ गार्निश करती, तो मैं अब गार्निश जो है वो सिर्फ के साथ करूंगी। आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, जैसे भी आप करना चाहें। अच्छा, आज मुझसे हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़ और मेरी कुछ क्लिप मिस हो गई थी, तो मैं एंड यहाँ पर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।